सीएनसी कैड का मंजन कुमार। आज हम एक पॉकेट फिनिशिंग प्रोग्राम करेंगे। इसके लिए एक ब्लॉक है 200x150 विड्थ है और उसमें एक पॉकेट करेंगे 150x100। इसमें फिनिशिंग पॉकेट करेंगे। इसके लिए जो कटर यूज करेंगे हम 8 फ्लैट कटर यूज करेंगे और इसमें जो पॉकेट है इसमें 150x100 कॉर्नर रेडियस R5 है। इसमें ATM कटर यूज करके हम ये पॉकेट को फिनिशिंग करेंगे। इसके लिए जो प्रोग्राम है ये एक तो मेन प्रोग्राम है और इसमें जो है ये प्रोग्राम नंबर 1 है मेन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम नंबर 2 जो है ये सब प्रोग्राम है। पहले हम मेन प्रोग्राम देखेंगे कैसे लिखना। ये प्रोग्राम नंबर है 8 फ्लैट पॉकेट फिनिशिंग और G21 जो है इनपुट MM इनपुट है। G0 G91 G28 Z0 तो है होम पोजीशन के लिए। Z होम पोजीशन में जाता और G0 G17 G40 G49 G80 G90 ये जो है ये कैंसिल के लिए। G0 रैपिड ट्रैवर्स और G17 XY प्लेन के लिए। G40 जो है क्वार्टर कंपोजिशन कैंसिल के लिए। G49 जो है क्वार्टर जो हाइट कंपोजिशन है वो कैंसिल के लिए और G80 कैंडर साइकिल कैंसिल। G90 अपडेट कमांड। T1 M6 जो है टूल नंबर है M6 टूल चेंज। G0 G90 G54 GX70 Y-2 S2500 M3 G0 G90 G54 X70 Y-2 जो है हमारा जो है फर्स्ट पॉइंट है वो। G0 जो है रैपिड ट्रैवर्स है जो रैपिड में मूव करेगा एयर में और G90 एब्सोल्यूट कमांड है। G54 जो है वर्क ऑफसाइट जो नंबर है एक से हम फर्स्ट पॉइंट जो है हम स्टार्टिंग पॉइंट है X17 और Y-2 स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये सेंटर पॉइंट है हमारा जो ये पॉकेट का सेंटर 0 है। हम X+70 यहाँ पे आता और Y-2 ये पॉइंट में यहाँ पे आ जाता जो साइड से पॉकेट का साइड है वहाँ पे आ जाता। G43 H1 Z50 G43 जो है कटरा हाइट कंपोजिशन है कटरा लेंथ ऑफ साइड और H1 जो है कटरा का ऑफ साइड नंबर है। Z50 में ऊपर में आके रुकता। M08 उधर से कूल एंड डाउन हो जाता। G01 Z10 F2000 50mm तक रैपिड में आता। 50mm से 10mm तक 2000 फीट में आता। नेक्स्ट जो है Z0 तक 500 फीट में आएगा। नेक्स्ट M98 P2 L20 जो है M98 जो है सब प्रोग्राम कॉल के लिए। P2 जो है सब प्रोग्राम नंबर है और L20 जो है लूप्स नंबर ऑफ लूप्स। G0 Z50
अभी जो सप्रा प्रोग्राम है M98P2L20, यहाँ पे 20 टाइम लूप्स रिपीट हो गया प्रोग्राम है, जो सब प्रोग्राम है रिपीट होने के बाद Z0, G0, Z50 ऊपर चला गया, 50 में ऊपर जाता, नेक्स्ट M09, नेक्स्ट M09 जो है कूलेंट ऑफ होता, और M05 स्पिंडल ऑफ होता, नेक्स्ट G0, G91, G28, Z0, जेड जो है होम पोजीशन को रिटर्न चला जाता, और G0, G28, Y0 Y होम पोजीशन को जाता, नेक्स्ट M30 जो प्रोग्राम स्टॉप एंड रिवाइंड, ये तो मेन प्रोग्राम हो गया। और इसके लिए जो सब प्रोग्राम लिखे हैं उसके हम देखेंगे समझेंगे। सब प्रोग्राम जो है ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया X70Y-20, भाई फर्स्ट पॉइंट हो गया X70Y-20 जो है वो पॉइंट कहाँ तक आता, और जो ये पकड़ है सेंटर में जीरो है, एक्स ये टोटल जो पकेट का लेंथ है 50 है, इसका विड्थ जो है 100 है, और एक्स इसका जो पकेट का हाफ जो है 75 है। हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है 70 लिया, इसमें क्वार्टर का जो डाया है 8 mm है, क्वार्टर का डाया 8 mm है, और इसमें पकेट का जो हाफ है 75 है। हम इसमें 75 से हम क्वार्टर का हाफ माइनस किया, -4 है तो 71 होता, और वो 1 mm क्लियरेंस से हम क्वार्टर यहाँ पे डाउन करेंगे। ये जो है पोजिशन का आने के बाद यहाँ पे सब प्रोग्राम कॉल हो गया, सब प्रोग्राम कॉल होने के बाद यहाँ पे G1, G91, Z-1 mm और फीड 200 फीड में यहाँ पे G91 जो है इंक्रीमेंटल कमांड है। इसमें यहाँ पे इंक्रीमेंटल कमांड क्यों यूज किया, यहाँ पे जो है हम 20 लूप्स जाना पड़ता, इसके लिए हम इंक्रीमेंटल यूज किया, एक लूप्स जाने के बाद वहाँ पे जीरो हो जाता, नेक्स्ट फिर और एक लूप्स जाता, इसके लिए हम G91 यूज किया तो जहाँ पे लास्ट पॉइंट है वहाँ पे जीरो हो जाता, इसके लिए हम यहाँ पे G91 यूज किया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जेड डाउन होने के बाद G91 में जेड डाउन हो गया, नेक्स्ट G90 यूज किया हम, G90 है तो एब्सोल्यूट कमांड है, जो जीरो है जीरो से जो कोऑर्डिनेट है वो कॉल करता, और G41 जो है क्वार्टर कंपोजिशन लेफ्ट है, D1 क्वार्टर जो कंपोजिशन है उसका ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का नंबर है D1, और X75 जो है क्वार्टर कंपोजिशन लेने के बाद ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, इसमें क्वार्टर का हाफ जो है वो कैलकुलेट हो जाता, जो हम जो टोटल विड्थ है 150 है उसका हाफ यहाँ पे लिया 75। नेक्स्ट जो पॉइंट है Y45 जो हम लिया इधर, ये जो पॉकेट का विड्थ है 100 है, उसका हाफ अभी सेंटर में जीरो है, उसका हाफ 50 से हम जो रेडियस है 5 mm वो माइनस कर दिया, यहाँ पे जो सेंटर से ये 45 हो गया, हम सेंटर से ये 45 लिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है G03 X70Y+50R5, X70 जो लिया हम यहाँ पे 150 का हाफ जो है 75 है, और इसमें से हम 5 mm माइनस कर दिया, आर वैल्यू जो है 5 mm माइनस कर दिया, 5 mm माइनस करने के बाद ये 70 हो गया, और 50 जो है ये पॉकेट का हाफ है 100 है, 100 का हाफ 50, और इधर G03 लिया हम, G03 जो लिया ये
क्लॉक काउंटर क्लॉकवाइज है, जो इंटरपोलेशन आता ये काउंटर क्लॉकवाइज में जाता कॉर्नर में आर फाइव। जो नेक्स्ट पॉइंट आता एक्स जी जीरो वन, अभी ये रेडियस होने के बाद हम स्ट्रेट जाना पड़ता है, यहाँ पे स्ट्रेट जाने के लिए जो रैपिड में जाए तो जी जीरो यूज करता है और फील्ड में जाए तो जी जीरो वन यूज करता है। यहाँ पे हम जी जीरो वन लेके फील्ड में जाने का, इसके लिए हम जी जीरो वन यूज किया एक्स माइनस सेवेंटी। एक्स माइनस सेवेंटी जो यूज किया हम, यहाँ पे जो 150 है 150 का हाफ 75 है, 75 से हम 5 एम माइनस कर दिया। 5 एम माइनस करने के बाद एक्स यहाँ पे 70 आ गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है जी जीरो थ्री, एक्स माइनस 75 वाई प्लस 45 आर फाइव, जो है ये पॉइंट में आता और नेक्स्ट जो पॉइंट है जी जीरो वन वाई 45 वाई माइनस 45 जो है यहाँ तक ये पॉइंट में आता। अभी स्ट्रेट आता है इसके लिए हम जी जीरो वन यूज किया। नेक्स्ट जो है जी जीरो थ्री, एक्स माइनस 75 वाई माइनस 40 वाई माइनस 50 आर फाइव, जो है ये जो कॉर्नर है ये पॉइंट में आता। और नेक्स्ट जो है जी जीरो वन एक्स 70 जी जीरो वन एक्स 70 स्ट्रेट यहाँ तक आ जाता ये कॉर्नर में। और नेक्स्ट जी जीरो थ्री एक्स 75 वाई माइनस 45 आर फाइव, एक्स 70 वाई माइनस 45 ए पॉइंट जो है और आर फाइव, फाइव एम रेडियस लेके ए पॉइंट में आ जाता। नेक्स्ट जी जीरो वन एक्स प्लस टू, यहाँ पे जो है माइनस टू है, हम प्लस टू इसके लिए दिया कि थोड़ा जो है स्टेप डायरेक्ट टच हो के रहने तो थोड़ा स्टेप छोड़ देता इधर, जस्ट जैसा कटर मार्क आता इसके लिए हम थोड़ा प्लस में लिया, वही प्लस टू में लिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है जी 40 एक्स 70, ये जो कटर कॉम्पोजिशन लिया ऑटोमेटिक जो कटर जो डाया है वो कैलकुलेट कर रहा था, ये जी 40 में कटर कॉम्पोजिशन कैंसिल करके कैंसिल कर लेता है। कैंसिल करने के बाद एक्स 70 जो है फर्स्ट जो एंट्री पॉइंट है वो पॉइंट में आ जाता। नेक्स्ट जो है वाई माइनस टू, सेकेंड जो है वाई माइनस टू, जो फर्स्ट पॉइंट में एंट्री होने के लिए जो हम लिया था एक्स प्लस 70 और वाई माइनस टू माइनस टू, लास्ट में भी सेम पॉइंट में आ जाता। जो हम सब प्रोग्राम करते अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वो सेम रहना, सेम रहे तो हमको लूप जो है वो रिपीट होता, नहीं तो अलार्म आता। और नेक्स्ट M99 जो है सब प्रोग्राम एंड है, सब प्रोग्राम एंड में M99 दिए तो वो रिपीट होता, नहीं तो रिपीट नहीं होता। और ये था मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम पॉकेट फिनिशिंग का, और आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो देखे तो ये समझ में आएगा आपको, एक बार में नहीं समझ में आए तो और एक बार भी देखिए, एक दो तीन बार देखे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो वीडियो है मैं जो मेरा वीडियो उसका डिस्क्रिप्शन में इसका जो प्रोग्राम है वो भी इसका लिंक दे देगा, आपको ज़रूरत है तो डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। और ओके फ्रेंड, थैंक यू।